सीटें बढ़ती जा रही है। खुशी आई नहीं, हम इतने डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, महिलाओं की जीत हुई है। अशोक गहलोत ने जो महिलाओं पे अत्याचार किया, पेपर लीक किया, इस सारे मामले थे, तो हमें जीत के बहुत मजा आ रहा है, बहुत उत्साह से कर रहे हैं। ये सेमीफाइनल है, अब 24 में मोदी जी जीत कर आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएंगे। क्या कारण है कि कांग्रेस पीछे रही? सनातन धर्म के लिए हमारे ऐसा लग रहा है बीजेपी सीटें बढ़ती जा रही है। खुशी आई नहीं, हम इतने डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, महिलाओं की जीत हुई है। अशोक गहलोत ने जो महिलाओं पे अत्याचार किया, पेपर लीक किया, इस सारे मामले थे, तो हमें जीत के बहुत मजा आ रहा है, बहुत उत्साह से कर रहे हैं। ये सेमीफाइनल है, अब 24 में मोदी जी जीत कर आएंगे और पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराएंगे। क्या कारण है कि कांग्रेस पीछे रही? सनातन धर्म के लिए हम आगे आए, उन्होंने धर्म की रक्षा नहीं की, महिलाओं पे अत्याचार किया, पेपर लीक, जाने कितने ही मामले हैं जिसमें उन्होंने पीछे क्या, खाली कांग्रेस से मुसलमानों को सपोर्ट किया और सनातन धर्म की रक्षा नहीं हुई, इसलिए महिलाएं घर के बाहर निकली है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, जो राम को लाए हम उनको ला रहे हैं। बीजेपी में सीएम फेस किसको देखने को मिलेगा? जो पार्टी का डिसीजन होगा मुझके साथ, इसके लिए नो कमेंट। आज धूम मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे, कैसा सबको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम जश्न का माहौल है, लड्डू बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं हम। क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मोदी इज ग्रेट, मोदी को आए तो बहुत ही अच्छा। क्या लगता है मोदी, क्या लगता है कितनी सीट आएंगी? बहुत अच्छा, बहुत पूरे बहुमत से बीजेपी की है। कितनी सीट आएंगी? सारी की सारी सीट आएंगी है। 199 छत्तीसगढ़ में हमारी आ रही है, राजस्थान में हमारी आ रही है, हर जगह बीजेपी बीजेपी, मोदी हर मोदी। जैसे राम एक अदृश्य शक्ति थी, लेकिन आज मोदी हमारे लिए साक्षात राम बन के खड़े हुए हैं।